मैं और रिशु तैयार होके निकले हुए हम लोग जा रहे हैं सर्विस पूल निकलते पर यार कहाँ जा रहे हैं हम लोग जो हमको चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार क्यों लिया। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आजकल मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी चली हुई हूँ और आज संडे है तो मैंने सोचा संडे है तो आज तो हम शूट कर ही सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं और रिशु तैयार होकर निकले हुए हम लोग जा रहे हैं सर्विस सेंटर। इनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो दिखाने जा रहे हैं। तो हम लोग निकल गए रूम से काफ़ी आगे। मैंने कहा मैं पहले ब्लॉग स्टार्ट तो कर दूँ तो हम लोग रुके थे अब चल पड़ते। तो 42 जाएंगे हम लोग। तो मैं चंडीगढ़ आई हुई हूँ तो बाकी 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 निकलते वहीं पे चलते फिर उसके आगे का प्रोग्राम भी देखते क्या बनता है क्योंकि अभी हमारा कुछ ऐसा है नहीं कि हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि सबसे पहले मेन तो हमारा यही है कि फ़ोन ठीक करवा देते हैं। चुके हैं 42 और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे 43। अच्छा मैंने पहले भी बोला कि हम लोग 42 जा रहे हैं। 42 ही है फिर मैं तो चेक कर रहा था कि पता है कि नहीं। हाँ कल ही तो बोला था सेक्टर 40B पे है ये। चलो फिलहाल चले ऐसी जगह जो पर जहाँ पे दिखेंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पर फ़ोन दिखाने आए थे ना जैसे, तो इन्होंने बोला कि ये वाला फ़ोन का कुछ नहीं होने वाला इसको है हाँ मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी है तो इसको रिप्लेस कर दो। तो वो ये तो अब ये सोच रहे कि क्या करते हैं यहाँ का काम तो है सुनाई नहीं दिया। 22 सेक्टर वहाँ क्या करना ओरिजिनल स्क्रीन के चक्कर में फिर भटक गए। चलो फिलहाल हम लोग यही पता कर लेते हैं कि मिलती है इसकी ओरिजिनल स्क्रीन की नहीं तो ऐसे ही चलो। तो हम लोग 18 सेक्टर गए, 22 नहीं गए क्योंकि 18 में एक और वीवो का सेंटर था वहाँ पर गए क्योंकि उन्होंने कस्टमर केयर को कॉल करी थी तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे तो उधर गए। उधर हमारे को मिला नहीं। उसके बाद इनको ऑफिस का कुछ काम आ गया तो हम लोग इनके ऑफिस पहुँचे हुए अभी। तो जनाब अभी अपना अपना ऑफिस का काम करेंगे अभी तो पानी लेने गए हुए है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। भाई बाहर बहुत धूप है बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था जल गए पता नहीं कब तक फ्री होंगे ये यहाँ पे। तो इनका ऑफिस का काम हो चुका है और हम लोग वहाँ से आ गए हैं। एक तो मौसम ख़राब हो रहा है बादल लग रहे हैं बट गर्मी बहुत ज़्यादा है समझ नहीं आ कि कहाँ जाए क्या करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा सीरियसली क्योंकि इतनी धूप में कहीं भी जाने का दिल नहीं है और मौसम का भी कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इसको क्योंकि रात को भी बड़ी भयंकर वाली बारिश आई थी और तूफान टाइप चला हुआ था भाई। सुबह 4 बजे तो ना खतरनाक वाला ही हो रहा था पता नहीं क्या मेरे को उसके आते ऐसा लगा मैंने कहा क्या है ये आज बट देखते फिलहाल अभी हम लोग क्या बनता है हमारा प्रोग्राम भी कहाँ जाते हैं क्या करते हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी सब कुछ फिलहाल चलते हैं। तो हम लोग फिर से आ गए यहाँ पर वीवो स्टोर देखते यहाँ पर होता है इनके फोन का कुछ कि नहीं हो। तो फाइनली हम लोगों ने 1 घंटा लगाया 1 घंटे के बाद इनका फोन जो
काम था वो हो चुका है, अब करवा दिया काम, क्योंकि जहाँ पर गए थे वहाँ पर तो उन्होंने मना कर दिया, बट फिर भी यहाँ पर हो ही गया ये काम। अब हम लोग जस्ट ऐसे ही गेड़िया मार रहे, अरे परे। अच्छा एक और भी वो स्टोर में चले गए ये भाई, ऑलरेडी हम एक डेढ़ घंटा थे उस शॉप में परे जहाँ पर अभी थे, और अब ये फिर से भी वो में घुस गए, पता नहीं क्या पता करने गए हुए। अब आओ जी आओ, तो अभी हम लोग यहाँ पर राजमा चावल खाने आए हैं। तो फाइनली अब हम लोग चल पड़े यहाँ से सेक्टर 22 से, और धूप देखो कितनी तेज है। चलो सारे में घूम लिए ऐसे ऐसे, एक दो शॉपों पर पूछ भी लिया, बोलते नहीं है, फिर समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए। फाइनली इतना ढूंढने के बाद हमें मिल चुका है जो हमें चाहिए था। अब इसको हम लोग जाके अभी तो नहीं ट्राई करेंगे, देखती हूँ मैं कब ट्राई करूँगी, बट चलो ले तो लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार सही लिया होगा, हाँ क्यों लिया, चलो कोई नहीं, लेना था ऑनलाइन ही लेना था मैंने, फिर अगर यहाँ नहीं मिलना था, बट मिल गया। एक लास्ट शॉप थी ये हमारी, किस शॉप में लास्ट पूछेंगे, और मिल ही गया फाइनली। तो अब हम लोग बाइक के पास आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं वापस रूम, क्योंकि अब ना थक गए यार, कब से लेकर हम लोग ऐसे ही भटके हुए थे, अब घूम भी लिया अच्छा खासा, घूम भी निकलते फिर शाम को देख लेंगे अगर ऐसा ही हुआ बना। अगर मुझे शाम का बनेगा हमारा मार्केट आने का, मुझे भी मुश्किल ही लग रहा है, शाम को वैसे बनेगा तो नहीं, बट फिर भी देख लेंगे अगर बना। बाकी रूम जाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं फिलहाल तो। तो फाइनली हम लोग रूम पहुंच चुके हैं, और जनाब आइस क्यूब का पैकेट लेके आए हुए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी तक पहली बार ही लाया है ना इधर, हाँ फर्स्ट टाइम लेके आए हुए इस साल का आइस क्यूब का पैकेट। हाय शूज़ खोल के इतना रिलैक्स हो रहा है, ओह चलो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो हम लोग दिन को आगे थे ना घूमघाम के वापस, तो उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया और अभी डिनर करके फ्री हो चुके हैं कब के, और फिर जो मैं सामान लेके आई थी मैं पहले दिखा देती हूँ क्या लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ। और मैंने इसका इस्तेमाल भी कर दिया है जनाब पर किया, और फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम ही किया, बट इससे पहले मैंने एक अवतार लुक क्रिएट करा था खुद पर वो, और मेरे को आज भी हद है नेरवा में थी मैं उस टाइम, काजल ने देखा था, मनु भाभी ने देखा था शायद, हाँ और बहुत पहले की बात है ये, मतलब कि जब मुन्ना यामिनी की शादी हुई थी ना
उसके बाद तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर ही दूँगी। मैंने ऐसा मैस अप किया है ना मैंने कसम से, बट जो भी है शॉर्ट्स में दिख जाएगा आप लोगों को, मिल जाएगा देखने को। बाकी अभी वो गए हुए मुँह धोने, तो मैंने ये ट्राई कर दिया है। अब जो भी है शॉर्ट्स में देख लेना, बाकी मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है। और वैसे मतलब देखा जाए तो वे फर्स्ट टाइम ही आज का, उस टाइम तो मैंने मजाक मजाक में कर दिया था जो भी, बट आज सोचा था कि कुछ करूँगी, बट कोई नहीं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग कब आता है वो देखते हैं, बट आई थिंक शॉर्ट्स कंटिन्यू में ही रहेंगे, बाकी देख लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।